मदरावती पुलिस ने 23 जनवरी को तालुका में दो स्थानों पर चिकन बाजार में छापेमारी कर एक लाख इकसठ हजार आठ सौ रूपए का माल जब्त किया और 10 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ आई तालुका के चिरादेवी और मंगली में चिकन बाजार भर रहे हैं और उस पर जुआ खेल रहे हैं पुलिस के अनुसार मौजा चिरादेवी गाँव के पास झुड़पी वन क्षेत्र में पंचायत सहित छापेमारी के दौरान चिकन बाजार में आय जुआ खेलते मिले पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उनके पास से एक लाख बारह हजार पाँच सौ रूपए मूल्य की सामग्री मुर्गिया और वाहन जब्त की साथ ही मौजा मंगली के झुड़पीवन क्षेत्र में छापेमारी के दौरान बाजार में तीन स्मल जुआ खेलते मिले इनके पास से कुल उन पचास हजार तीन सौ रूपए का सामान मुर्गी और वाहन जब्त किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र जुआ अधिनियम की धारा बारह बी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच पुलिस कर रही है भद्रावती थाने के निरीक्षक गोपाल भारती उप निरीक्षक तेलरंदी तेलरंदे पुलिस आरक्षक शशांक बदामवार जगदीश जादे निकेश ढेंगे अजय जादे द्वारा अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी और अनुमंडल पुलिस अधिकारी सांगले के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गयी बी न्यूज के लिए भद्रावती ऐसी शंकर डे की रिपोर्ट